ओके, वी आर लाइव। शुरू करें? कैन स्टार्ट? यस कमेंट। यस ओके, आई एम स्टार्टिंग। इन दिस कंप्लीटली न्यू सर्कमस्टेंसेस व्हिच इज फोर्स्ड बाय द पेंडेमिक, वी हैव सीन अ मेजर डिस्कोर्स एंड rather a debate starting on the National Education Policy 2020. This is in the wake of the cabinet clearing this document on the 29th of July. Halaki Pradhan Mantri ji kood pare hain ye bahas mein aise bayan ke saath jisse पता चलता है कि ये लेके बहुत बड़ा बहस है। आम तौर पे प्रधानमंत्री जी हमेशा हर विषय पे अपना प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं, बावजूद इसकी उन्होंने बोला है कि ये जो नई शिक्षा नीति, इसके लिए पूरे देश में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उनके नजर में कोई ज्यादा विरोधात्मक बातें सामने नहीं आई। द फैक्ट दैट ही हैड टू मेक दैट कमेंट वाज टू शो ऑन द वन हैंड दैट ही इज ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन द रन अप टू द पॉलिसी। एट द सेम टाइम ही एंटिसिपेट्स दैट देयर विल बी अ बिग ऑपोजिशन एज इट इज ऑलरेडी अनफोल्डिंग। असल में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक जो पृष्ठभूमि है उसमें ये पाया जाता है कि सन 2017 में उन्होंने पहला इसका मसौदा प्रस्तुत किए थे और तुरंत संसद के अंदर इसका जबरदस्त विरोध के चलते सरकार ने उसको वापस ले लिया। देन इन 2019 में the report of the Kasturi Rangan Committee, which forms the basis of this new policy, was unveiled in May 2019. And in that policy, immediately after becoming public, caused a huge controversy and opposition in the country over the three language formula that it suggested, whereby it clearly tried to impose Hindi over all other non-Hindi speaking states. The very next day, the government again drafted an amendment and passed it, saying that no imposition will be there for the non-Hindi speaking states, and Hindi may not be exercised as an option. So, from the very beginning, there has been a major controversy and also opposition on the approach which the government is trying to pursue. इसके कारण में जाने के लिए हमें थोड़ा इतिहास को गौर से देखना पड़ेगा। हमारे देश में शिक्षा का अहमियत आजादी के पहले से हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन उसमें झलकती रही। एंड द बैटल फॉर एजुकेशन स्टार्टेड राइट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, whereby the newly educated sections of India saw the British colonial approach of restricting education, not expanding it to assume the character of a mass public education. And therefore, this became intertwined with the freedom struggle itself. पूरे आजादी के संघर्ष के दौरान शिक्षा का हक का जो मांग है वो हमारे आजादी के संघर्ष के साथ जुड़ गई। इसका बहुत बड़ा कारण ये था कि शिक्षा ऐसा एक हथियार है जो हमारे राष्ट्र
के विकास और हमारी आवाम की विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आज के अगर हम देखें हमारे देश के अंदर लगभग 54% जो हमारे आबादी है वो 25 साल के नीचे है, तो शिक्षा का अहमियत क्या है और शिक्षा क्यों इट कैन बिकम अ मेजर डेमोग्राफी डिविडेंड इज वेरी वेरी एविडेंट। देयरफॉर हमारे देश के अंदर ये जो आजादी की लड़ाई में शिक्षा का विस्तार का सवाल उठा था वो हमारे देश के संविधान के अंदर भी अपना स्थान प्राप्त कर दिया, क्योंकि हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 45 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल निर्देशात्मक जो नीतियां थी उसके अंदर ये शामिल की गई कि 10 साल के अंदर 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अनिवार्य मौका देना होगा, और पूरा दृष्टिकोण था शिक्षा का विस्तार कैसे हो। अंग्रेजों ने जो ट्रिकल डाउन उनका थ्योरी था लॉर्ड बिकॉनी का और जो काफी हद तक सीमित कर दिया अभिजातों के बीच में, उससे उस शिकंजों को तोड़ के शिक्षा को पूरे समाज में फैलाने का सवाल उठाया गया था। तो इसीलिए हमारे देश के अंदर शिक्षा विकास के ये जो सिलसिला वो उसका एक औपनिवेशिकतावाद विरोधी एक जड़ है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में शासन करने वाले विकास वो इस विरासत से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हम अगर देखें ये शिक्षा नीति तो उसके अंदर सबसे आगे जो बात सामने आती है कि एक नीति तैयार करने के लिए कम से कम जो जरूरत होता है किस आधार पे एक नया नीति हम ला रहे हैं अपना रहे हैं, what is the reality, what is the basis for authoring a new policy is something which has been always there in so far as education policy making is concerned in the past. However, in this document we find for the first time there is no data, neither is there a compendium to establish that there has been an evaluation of the present reality and on that basis how the policy is aiming to address the concerns, the challenges and the threats that we as a nation and the people face. Asal mein is baat ko samajhte hue प्रधानमंत्री जी बहुत ही दिलचस्पी दिखाते हुए ये बता रही हैं हमें कि बहुत इसके लिए मेहनत की गई है और पिछले 3-4 साल बहुत अध्ययन, बहुत खोज, बहुत खोज हुआ है, समीक्षाएं की गई हैं ताकि हम सही एक नीति को अपना सके। बट द फैक्ट इज दैट नोवेयर इन द डॉक्यूमेंट nor in any of the annexures or compendium, any references there to all these surveys and studies that the Prime Minister is so eloquent about. And on top of that, Modi ji ka ye bhi kehna hai ki ye ek kranti laega shiksha ke kshetra mein, kyunki is shiksha niti se hum रोजगार सृजन करेंगे, रोजगार ढूंढने वाले लोग तैयार नहीं करेंगे। We through this education policy are seeking to produce job creators and not job seekers. सवाल ये उठता है कि कैसे ऐसे दावे लोग कर रहे हैं। अगर हम देखें ये नई शिक्षा नीति के अंदर जो सामने आती है कि एक पुराने अतीत
एक तथाकथित भारतीय संहिता के बारे में वो बार बार जिक्र करते हैं. टाइम एंड अगेन द पॉलिसी goes back to the question of our ancient past and the contributions that ancient Indian civilization has made in the sphere of knowledge accumulation. और इस भूमिका में उन्होंने बहुत सारे जो जाने माने हमारे दार्शनिक, हमारे वैज्ञानिक, हमारे अर्थशास्त्र के बारे में चिंतक, उनका जिक्र किया. But nowhere in the document does these references of individuals and their contributions is gone into any specific details, and neither is it explained, elaborated, how the contributions made by these thinkers would be contextualized in the content. And how it can really enrich the requirements of a changing world where no country can remain insular from the global knowledge. ये जो परिवर्तन के बीच में से हम गुजर रहे हैं, विज्ञान और तकनीक का बहुत बड़ा कदम हम देख रहे हैं, तो उसके बारे में अज्ञान होते हुए सिर्फ पुराने अतीत का जिक्र करना हमारे जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा व्यवस्था है, उसको पीछे की ओर धकेल देना. असल में अगर हम एक नीति और एक हमारी जो कल्पना है उसके बीच में बुनियादी जो फर्क है वो अगर समझने की कोशिश करते हैं, अभी जो दस्तावेज सरकार ने प्रस्तुत किया है उसके मद्देनजर रखते हुए, तो हम ये पाएंगे कि दिस इज नॉट अ पॉलिसी, दिस इज अ विजन डॉक्यूमेंट. सवाल उठता है कि किसका विजन है, प्रधानमंत्री जी का विजन है या किसका विजन है? तो उसमें हम अगर जन माध्यम के अंदर जो रिपोर्टें आई थी 30 जुलाई से लेकर, उससे स्पष्ट हो जाता है कि ये किसका विजन है. क्योंकि 30 जुलाई को न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्टेड दैट द आरएसएस इज एक्सट्रीमली हैप्पी. द मीडिया आल्सो कोटेड स्पेसिफिक आरएसएस linked organizations who were very, very explicit in expressing their appreciation, if not euphoria, over the new policy. इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारे आजादी के संघर्ष के विरासत के तौर पे जो चीजों को हमने स्वीकार कर लिया था और जिसका स्वीकार करने का जो प्रक्रिया है वो हमारे संविधान में भी प्रतिबिंबित हुआ था, उसके विपरीत एक दिशा में एक कल्पना वो प्रस्तुत करना चाहता है. व्हाट इज द बेसिस ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ हैज इट गॉट रिफ्लेक्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन education was recognized as something very essential, which I have already mentioned. It talks of a direction where education will be become compulsory, it will become universal. Now this document, para after para, shows the preference for a direction which is completely contrary to this understanding. दूसरा सवाल जो था, जो आजादी के संघर्ष में प्रतीक हुआ था और जिसको स्वीकार किया गया था, वो है हमारे देश की विभिन्नता और अनेकता. कि हमारे देश एक बहुभाषी, एक बहुसांस्कृतिक देश है, जहाँ पे बहुल जो जो बहुल संख्यक है उसके अंदर जो सामाजिक जो ताना बाना है, जो जाति प्रथा है,
उसका जो प्रतिबिंबन हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज के दलित हुए, अन्य पिछड़े वर्ग हुए, आदिवासी हुए, महिलाएं हुई, जो कि समान अधिकार से, समान मौके से वंचित थे, विषमता के शिकार थे। तो इसीलिए शिक्षा के अंदर जो मकसद तय की गई थी, जो लक्ष्य तय की गई थी, उसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा गया था कि हमने हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसा इंतजाम करेंगे जिसके चलते जो वंचित है, जो जिसको दरकिनार कर दिया गया है, जिसके पास समान मौका नहीं है, उसको हम विशेष जो तरीका अपनाते हुए उसको बराबरी का दर्जा हम दें। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सबसिक्वेंट एजुकेशन पॉलिसीज ऑल्सो स्पोक अबाउट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अफर्मेशन ऑफ रिजर्वेशन। Nobody, even if they try to examine the document with a microscope, can find the reference to the concept of reservation to mitigate the kind of discrimination and exclusion that these social sections suffer. So, us maine mein bhi hum dekhenge, bunyadi taur pe ye shiksha niti पिछले दिनों में शिक्षा के बारे में जो बातचीत की गई है उससे बुनियादी तौर पे अलग है। तीसरी जो सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में जो आजादी के लड़ाई के चलते लोगों के समझ में आया कि हमारे देश कोई एक स्तर पे उसका शासन संचालन नहीं हो सकता है। Our governance cannot be one tier and centralized. It has to be at least two tiers. Of course, we have gone on to add the local self-governments in the 73rd and 74th amendment. But essentially, that the notion of federalism has to be ingrained in the manner in which we manage our education policy. However, इस जो शिक्षा नीति है इसके अंदर जो संघवाद का जो बात है उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। तो इस बात से भी पता चलता है कि मोदी जी जितना भी चीख ले और चिल्ला ले, बात तो ऐसा ही है कि बहुत सारे प्रदेश सरकार से इस नीति का विरोध हो रहा है, क्योंकि लगभग एक साल के दौरान जितने सारे टिप्पणियां, जितने सारे असहमतियां दर्ज की गई थी, तो मसौदा था शिक्षा नीति के उसके ऊपर, उसको शामिल नहीं किया गया है। एंड ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन कंप्लीटली टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देयरफॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज टर्निंग टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली सेंट्रलाइजिंग इन इट्स वे ऑफ मैनेजिंग द एजुकेशन प्रोसेस एंड द एजुकेशन सिस्टम। एक हाल ही में हम देख रहे हैं, बहस चल रहा है, ये जो जबरदस्ती यूजीसी के जरिए केंद्रीय सरकार सारे विद्यार्थियों के ऊपर, खास करके अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के फाइनल सेमेस्टर एग्जाम लेके ऑनलाइन परीक्षा लेना होगा और ओपन बुक परीक्षा लेना होगा, इसके ऊपर यूजीसी जो जिद पकड़ के बैठ गए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी विरोध कर रहा है महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार का कि सिर्फ यूजीसी तय कर सकता है किस तरीके से परीक्षा होगा, बावजूद इस बात की कि पूरे देश भर में संक्रमण इतना तीव्र स्तर पे है और अलग अलग प्रदेशों में किस तरह से परीक्षा ली जाएगी उसके बारे में राज्य सरकारों का जो सोच है, जो विचार है, उसको कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। मैं ये बोल रहा है मिसाल के तौर पे,
लेकिन अगर हम देखें ये पूरे शिक्षा नीति के जो पूरे जो सोच है, जो विचार है, इसके अंदर हर एक जगह में आपको इसका उदाहरण मिलेगा। अब सब लोग हम जानते हैं कि इमरजेंसी के दौरान 1976 में शिक्षा जिसको राजसूची में शामिल की गई थी संविधान निर्माण के समय, उसको संयुक्त सूची में लाया गया। इट वॉज ब्रॉट इन टू द कॉन्करेंटली ड्यूरिंग इमरजेंसी 1976। हाउएवर मोस्ट ऑफ द स्कूल एजुकेशन वॉज डिसाइडेड बाई द स्टेट गवर्नमेंट एंड द एसोसिएटेड एजेंसी। Reasons are not difficult to gauge because in a country of India's size and diversity and the kind of different realities that prevailed in different states, even within a state, that required a more decentralized approach. Therefore, some of the areas of education has been also handed over to the local self-government subsequently. But now, with one stroke, new education policy completely changes this. And they will decide the direction and content of the educational process at the school level. Abhi, jahan tak narebaji hai, jahan tak आतंकवादी है, उसका बौछार लगाने में तो ये सरकार सबको पीछे धकेल सकते हैं। और उसी तरह ये जो बात है कि स्कूल एजुकेशन के अंदर चार अलग अलग जो माइलस्टोन है, जो कट ऑफ है, वो उसको उन्होंने बहुत सराहना करके बोल रहा है, हम इसमें लचीलापन ला रहे, हम इसमें ज्यादा उसका चॉइस, ज्यादा ऑप्शन दे रहे हैं। किसको ऑप्शन दे रहे हैं? कि क्लास सिक्स तक पढ़ाई होने के बाद कोई बाहर निकल सकता है, क्यों नहीं, वो इंटर्न बन सकता है और फ्री इंटर्नशिप के दौरान वो काम काज के जरिए अपना शिक्षा प्राप्त करेगा। असल में असलियत तो ये है, हमारे देश में बाल मजदूरों को तैनात करने से रोकने के लिए हमारे देश में कानून है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट, और उसमें 14 साल के नीचे आयु के कोई भी बच्चे हैं उसको काम में तैनात करना गैर कानूनी है। लेकिन अभी नया शिक्षा नीति के तहत अगर 12 साल के बाद कोई इंटर्न बन जाता है और मुफ्त में वो मजदूरी करता है तो हमें ये बताया जाता है कि ये एक ऑप्शन है, ये एक मौका है, ये एक फ्लेक्सिबल तरीका है उनको शिक्षित करने के लिए। किसी ने कहा है और सही कहा है कि असल में ये एक एग्जाम राज, परीक्षा राज जो काम चालू कायम करना चाहते हैं, और हम देखते हैं कि चार टुकड़े में ये स्कूली शिक्षा को, सेकेंडरी एजुकेशन को ये विभाजित कर रहे हैं। और ये हर एक का कट ऑफ असलियत इसका है कि ये आप जो हमारे शिक्षा व्यवस्था के सामने इतना बड़ा चुनौती था ड्रॉप आउट का, क्योंकि जो लोग, जो बच्चे स्कूल में क्लास वन में भर्ती होते थे, इसके अंदर लगभग 80% ये पार नहीं कर पाते थे, ड्रॉप आउट हो जाते। तो अब तक शिक्षा नीति का हमेशा ये प्राथमिकता रहा कि हम ये ड्रॉप आउट रोकेंगे कैसे, लेकिन ये शिक्षा नीति चॉइस देने के नाम पर, ऑप्शन देने के नाम पर वैधता ला रही है वो ड्रॉप आउट के प्रक्रिया में। और जो लोग ऐसे जिसका शिक्षा संपूर्ण नहीं हो पाता है, उसको आप वो शिक्षा
हासिल ना कर सके इस बात को ये शिक्षा नीति में घटा देते हैं। तो इसीलिए दिस इज नॉट अ फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी बट इट इज टेकिंग अस बैक टू दोज डेज वेयर द guardians, where the parents, where the children did not have the wherewithal to pursue school education and to come out of the school with some degree of success, so that they could really exercise the option of pursuing higher education or trying for jobs suitable to whatever capacity they have developed in throughout through the school process. और इसमें जो बात की जा रही है ज्ञान और प्रशिक्षण, knowledge and skills. Now कोई भी शिक्षा नीति में ये तो जाहिर बात है कि दोनों के एक उसको समन्वित करने का एक कोशिश करना जरूरी है। There has to be a proper scientific integration of skill upgradation and knowledge acquirement. Without knowledge, you cannot really expand your horizon for imagination, of thinking, of coming out with creative ideas. On the other hand, skill will make you fit for some kind of immediate jobs, which may not require original thinking, but which will only ensure some kind of a replication of what you are doing. अभी सरकार ने ये जो प्रशिक्षण का सवाल को जो प्राथमिकता दिया है उनके शिक्षा नीति के तहत, उसमें साफ जाहिर है कि ये जो नॉलेज का जो हिस्सा है, ज्ञान अर्जित करने का जो पक्ष है, इनको वो पीछे धकेलना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो सवाल आता है कि ये सिर्फ पूरी शिक्षा तक, ये जो अलग अलग दर्जे का जो शिक्षा और उसके मुताबिक कॉलेज लेवल पे जाके उन्होंने और भी अलग अलग किसी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री वगैरह वगैरह में उसको विभाजित कर दिया है, और एक हिसाब से साफ पता चलता है कि आज के रोजगार के जो वास्तविकता है उसका पूर्ण तरीके से अनदेखा की गई। इफ यू आर सजेस्टिंग दैट समबडी कैन ऑप्ट आउट ऑफ द सिस्टम एट अ सर्टेन स्टेज एंड जॉइन अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, what you have to ensure is that there are appropriate level of jobs and productive spaces available to the child. But what is the situation today? Abhi COVID shuru hone ke baad pichle kuch mahinon mein 15 crore naye logon ko bade paimane pe unka chhatti hui hai, wo berozgar ho gaye. ये जो हम माइग्रेंट वर्कर्स को सड़क से चलते हुए देखा, ये तमाम जो 20, 22, 25 साल के नवयुवक है, इनको पास तो कोई आज रोजगार नहीं है, और रोजगार का एक भयंकर अकाल जैसे परिस्थिति देश के अंदर है। एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट, इफ यू आर सेइंग दैट यू हैव द ऑप्शन ऑफ गेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स, I don't know where these people who are framing these policies lead, because we see advertisements, we see newspaper reports where for a Group D job, thousands of PhDs, thousands of postgraduates and MPhils, they are forced to apply because there are no jobs. So, usme class 6 पास करने वाले जो बच्चे हैं 12 साल के, वो क्या अल्टरनेटिव रोजगार का मौका वो इस्तेमाल करेगा और कैसे करेगा, ये सिर्फ मोदी जी बता सकते हैं।
क्योंकि वो बोल रहे हैं ये मिशन है टू इवॉल्व जॉब क्रिएटर्स एंड नॉट जॉब सीकर्स। तो इस स्थिति में बहुत बड़ा हमला है हमारे जो कमजोर तबके के बच्चे, जैसे मैं पहले बोला आरक्षण का कोई शब्द नहीं, तो आदिवासी जो बच्चे हैं उसका क्या होगा, दलित बच्चे जो है उनका क्या होगा, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ लड़के हैं लड़कियां हैं उसका क्या होगा, और हमारे जो भयंकर जो एक पितृ सत्ता के चलते महिलाओं के और कन्या जो है हमारे उसके अधिकारों के ऊपर जिस किस्म का हमला हम देख रहे हैं उनका क्या होगा। देयर आर डेली रिपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एस्पेशली ऑफ द मोस्ट डिस्टेंट एंड बैकवर्ड एरियाज दैट देयर इज सो मच ऑफ ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल्स एंड देयर आर क्लियर इंडिकेशंस दैट दीस ड्रॉप आउट्स आर इन अ बिग वे हैपनिंग अमंग द गर्ल चिल्ड्रन एंड द गर्ल स्टूडेंट्स। तो इसीलिए ये सब जो रिजर्वेशन का बात ना करना, आरक्षण का बात ना करना, जनरली छोड़ देना, इस पृष्ठभूमि में आपको देखना होगा नई शिक्षा नीति में क्या क्या परिवर्तन के ऐलान किए कर रहे हैं। एक तो ये खुद बोल रहे हैं कि हमारे जो स्कूल है दूर दराज के इलाके में जो कमजोर पड़ रहा है उसको हम नहीं आगे पढ़ाएंगे, हम क्लस्टर कॉन्सेप्ट लाएंगे, उसमें एक बड़ा स्कूल होगा और उसके अंदर 5-10 किलोमीटर के दूरी पे बाकी जो स्कूल है उसके साथ जोड़ा जाएगा। लदर स्कूल व्हिच आर सपोजेडली वीक विदिन अ 5-10 किलोमीटर रेडियस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्कूल दैट विल बी डेवलप्ड एज अ क्लस्टर। द पॉइंट इज दैट हमारे देश में हमेशा शिक्षा के बारे में जो चर्चा हुआ है उसमें दूरी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जहां पे लोग बसते हैं रहते हैं उसके इर्द गिर्द अगर स्कूलें नहीं है, अगर आप ये आंकड़ा उठा के देख लो कि हमारे देश में बहुत सारा गांव है जो सिर्फ एक प्राथमिक एक शिक्षण संस्था है, जहाँ पे माध्यमिक शिक्षण संस्था भी नहीं है, और स्कूलों के अंदर ब्लैक बोर्ड नहीं है, स्कूल के अंदर एक शिक्षक है, स्कूल के अंदर लैट्रिन नहीं है, स्कूल के अंदर स्वच्छ पीने का पानी नहीं है। उस स्थिति में ये क्लस्टर अप्रोच थोड़ा बहुत शिक्षा का मौका जो बच्चों को मिल रहा था वो भी खत्म करने का एक साजिश है। ये सीधा मतलब दूर दराज के इलाके के जो कमजोर तबके के सामाजिक और आर्थिक विषमता के शिकार जो बच्चे हैं उससे शिक्षा छीन लेने का साजिश हम इसको कह सकते हैं। इसके साथ साथ कॉलेज के अंदर भी हम देख रहे हैं एक अजीब सा परिवर्तन जो कर रहे हैं कि 3-4 अलग अलग जो नाम देकर वो अलग कर रहे हैं। एक होगा अच्छा खासा विश्वविद्यालय जो रिसर्च यूनिवर्सिटी है, वो जितना मर्जी वो पैसा खर्च कर सकता है और जितना मर्जी वो भर्ती कर सकता है। उसके बाद वो बोल रहा है कि ऑटोनॉमस कॉलेजेस होगा, उसके बाद वो बोल रहा है साधारण यूनिवर्सिटी होगा, लेकिन ये सब विश्वविद्यालय के खर्चा कौन चलाएंगे इसके बारे में बिल्कुल चुप्पी साधा है इतना नहीं। The education policy is absolutely silent on the amount of expenditure that will be needed to create this new type of institutions. In the draft, which was placed in 2019, at least there was some commitment towards not allowing so-called philanthropic money coming into the education system, but now it has been removed. Rather, they have encouraged the involvement of voluntary and philanthropic organizations. Now, if one looks at the euphoria that RSS is expressing over the new education policy, one can only infer
that whether this will be a backdoor to legitimize the RSS networks of Saraswati Shivmandirs and Vidya Bharatis through the back door. And the government also in the policy clearly says that the regulations will be light and tight. What is the meaning one doesn't understand? But one can only suppose, given the record of this government, that there will be a free hand for all private entities to pursue whatever they have in mind. I remember during my days in the parliament, we had fought the private university bills, and ultimately the execution of that bill became so scandalous. In Chhattisgarh, it was found that about 86 private universities are operating from a motor garage. And therefore, those reports, when they came in, ultimately the government had to stop. Now, therefore, in the name of light and tight regulations, I think what is being planned is a complete free hand to private entities and private players. Because ultimately, the Modi government, it moves on two feet. One is the RSS, the other is the corporate entities. And it is the indelible imprint of both these two entities that runs throughout the process. Now, there is a complete abandoning of the commitment towards a public education system. Now, globally, you see there is a discussion going on, especially in the light of this raging pandemic, that people are at the receiving end. People are vulnerable because of the absence of a public health system. Because public health system was abandoned to allow the super profits of insurances connected in the health sector and the big pharmaceutical companies. Similarly, the lack of awareness, the lack of scientific temper, and a lack of proper educational development because of the weakening of the public education system has also come up time and again in the manner in which we have to face this pandemic. Hum abhi bhi dekh rahe hain कि अगर किसी मोहल्ले में किसी इंसान को संक्रमित पाया जाता है, उसके खिलाफ किस किस्म का एकदम विद्वेष दिखाया जा रहा है, इसका कारण है एक वैज्ञानिक जो समझदारी समाज के अंदर शिक्षा के जरिए फैलता है, उसका बिल्कुल ना होना एक बहुत बड़ा कारण है. उस स्थिति में अगर आप इफ यू गिव अप ऑन योर कमिटमेंट टू पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, दिस इज गोइंग टू बी अ रेसिपी फॉर अ मेजर डिजास्टर इन द कमिंग डेज व्हेन वी हैव अ पब्लिक क्राइसिस. एंड द फैक्ट दैट देयर विल बी मिनिमल involvement of the government in financing education is also very clear, that time they have stated a general good intention of spending 6% of the GDP in education. Lekin sawal hai, angrezi mein hum bolte hai, test of the pudding is in its eating. Agar aap pichle 6 mahina aap देखे, 6 साल आप देखे, तो आप पाएंगे कि केंद्रीय सरकार के शिक्षा के लिए जो खर्चा एक्सपेंडिचर एक्चुअली इज अराउंड 1%. तो अगर आप केंद्रीय सरकार खुद जो अपना जो खर्चा नहीं बढ़ाएगा शिक्षा के लिए, आप कैसे ये जो शिक्षा का विस्तार को देखना चाहते हैं, उसके अंदर जो गुणात्मक परिवर्तन के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं, शिक्षकों का प्रशिक्षण के बारे में बातचीत कर रहे हैं,
वो सब कैसे शामिल होगा। वो बोल रहे हैं कि हम मतलब 6 साल के पहले ये 3 साल से बच्चों को जो आंगनवाड़ी के जरिए हमको जो व्यवस्था किए है उस व्यवस्था को हम प्रथागत जो स्कूली शिक्षा के साथ समाहित कर लेंगे उसको, we will get it integrated within our formal school education system. So the amount of expenditure that will be needed, because there is also a very disturbing trend of handing over the Anganwadis to NGOs and to commercial entities. So therefore, there also we expect a major problem. आखिर में मैं इस बात से अपना बात खत्म करना चाहूंगा कि देखिए मतलब जो विचारधारा को ये इतना प्राथमिकता दे रहे हैं उसको एक साफ एक एक मिसाल है कि जिस तरह से संस्कृत को वो आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी एक जवाब आया था संसद में जिसके जरिए पाया गया है 644 करोड़ रुपया 2017 से 2019 के बीच में सरकार ने संस्कृत भाषा के लिए खर्च किया। अभी संस्कृति से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम थोड़ा वास्तविकता को तो मद्देनजर रखते हुए हमारा खर्चा करें। उसी सवाल जवाब में ये आया कि तमिल और तेलुगु और जो बाकी दक्षिण के भाषा है उनके मुकाबले उनके कुल खर्चे के मुकाबले ये था 22 और साथ साथ ये भी हम जानते हैं कि 2011 के जो जनगणना हुआ था उसके अंदर सिर्फ 24,000 लोग लिखवाए थे कि उसका मातृभाषा संस्कृत है। भाषा एक दूसरे से विनिमय का इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसमें एक छोटा हिस्सा इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी संस्कृत का विकास के लिए एक सब्जेक्ट के तौर पे, क्योंकि वो हमें हमारे लिए एक जरिया बनता है शोध के और रिसर्च for finding out what is there and what is the message of our ancient text, but at the same time to try and put Sanskrit as a language as and even to the extent of being a medium of instruction is ridiculous and shows that it is the ideological perception of an India which is taking us in a direction which is completely contrary to what is required. हाँ, हमारे इतिहास में बहुत कुछ है और ये तमाम चीजों को उसके सकारात्मक जो पक्ष है उसको हमें शामिल करना चाहिए शिक्षा प्रणाली में, लेकिन हम कैसे मतलब चुन चुन के इतिहास के उस दौर को हम लेंगे, बाकी जो तमाम जो अतीत है उसको हम नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि हमारे देश में जैसे मैं बोला है कि दिस इज अ प्लूरल, दिस इज अ कंपोजिट, दिस इज अ सिंक्रेटिक सिंक्रेटिक नॉलेज बेस दैट वी हैव एंड इट इज थ्रू द इंक्वायरी थ्रू द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स एंड देयर रिकंसिलिएशन That makes India great. बहुत सारे लोग बहुत बार ये सवाल उठाया है, इतना विभिन्नता के बावजूद भी भारत कैसे एक रह सके? भारत में दूसरे विश्व युद्ध के बाद, in the post-war situation, there were so many democracies which were created, but they went down the hill. There were military takeovers, there were dictatorships, but generally India has remained steadfast to the path of parliamentary democratic system, where reconciliation with different points of view has been a major factor. और इसको निर्माण करने में हमारे शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली का एक बहुत बड़ा भूमिका था। शिक्षा के लिए
खर्चा करने का प्रतिबद्धता एक एक हमारे देश के संविधान के मूलभूत एक भावना है। तो ये तमाम जो बातें हैं, ये एकता का और मतलब सार्वजनिकरण का जो मकसद है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को त्याग देते हुए ये जो शिक्षा नीति, ये हमारे देश में एक बहुत बड़ा हमला के तौर पे आ रही हैं। तो हम इसीलिए आपसे अपील करेंगे, हम CPIM के ओर से हमारी जो इसके बारे में टिप्पणियां है, प्रतिक्रिया है, ये दर्ज किया है। आई आर्ज ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ द व्यूअर्स एंड लिसनर्स टू गो थ्रू दैट डिटेल्ड रिस्पॉन्स ऑफ द CPIM, एंड आई विल ऑल्सो आर्ज, बिकॉज हमने ये प्रतिक्रिया को एग्जूट करने के लिए तमाम जो शिक्षक संगठन है, शिक्षा को लेके काम करने वाले बुद्धिजीवी है, उनके साथ हमने वार्ता की है, उसके आधार पे हम निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि अगर आज के ये जो महामारी के परिस्थिति को इस्तेमाल करके जैसे वार्ता की, दूसरे क्षेत्र में भी ये काम कर रहे हैं, उसी तरह जो थोपने का काम वो करना चाहते हैं, उसके बारे में अपना विचार व्यक्त करें, हम सब लोगों को मिलके इसको विरोध करना और इसको प्रतिरोध करना नेहात ही जरूरी है। Comrade, you can close the window now. Okay, it's okay now. It's within the time limit, no? Yes, Comrade. Thank you. I have not overshot the time.